मैं हूँ रोशनी और स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिशवॉशर किस तरह से वर्क करता है और उसका मैकेनिज्म किस तरह से वर्क करता है और डिशवॉशर में हम अपने बर्तन किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे डिशवॉशर जो कि गोदरेज कंपनी की है। तो अभी हम इसमें लोड करेंगे हमारे बर्तन। अभी हम इसमें बर्तन लोड करेंगे। तो अभी हम इसमें डिटर्जेंट ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून डिटर्जेंट ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पर। इसमें हमने 2 टेबलस्पून डिटर्जेंट ऐड किया है और दूसरे इसमें हमें ऑटो डिश लिक्विड ऐड करना है। ये IFB कंपनी का है और शाइन करने के लिए हम इसमें यूज करते हैं। हमें सॉल्ट ऐड करना पड़ता है। डिश वॉशर के अंदर का व्यू कुछ इस तरह से है। इसमें 2 बास्केट है, ये लोअर बास्केट है और ये अपर वाली। तो हम इसमें अभी अपने बर्तन जो है वो लोड करेंगे। तो इस तरह से हमें ये बर्तन जो है वो क्लीन करके, मतलब आप देख सकते हैं कि इसमें जो सब खाना था बचा हुआ वो पूरा निकाल देना है, क्योंकि अगर इसमें खाना रहा तो ये मशीन के फिल्टर को ब्लॉक कर देगा। इस वजह से इसको पूरा क्लीन करना पड़ता है। तो इस तरह से हमें सेपरेट सेपरेट ये डिश रखनी है, इसको ओवरलैप बिल्कुल नहीं होने देना है। और ये बास्केट भी है जिसमें हमें स्पून रखने पड़ते हैं, बट अगर थोड़े से ही स्पून हो तो हम ऑप्शनली यहाँ पे भी ये स्पून रख सकते हैं। ये है अपर वाली बास्केट। तो हमने इसमें रखे हैं बाउल वगैरह, तो बाउल और ये कटोरी वगैरह जो है वो हमें उल्टे ही रखने पड़ते हैं, क्योंकि हम उसको सीधा नहीं रख सकते, वो अच्छी तरह से क्लीन भी नहीं होंगे और जो वो अच्छे से क्लीन नहीं होंगे और जो कुछ भी गंदगी रहेगी वो इस बाउल में जमा होगी। तो इस वजह से इसको उल्टा ही रखना है हमें। तो इस तरह से दोनों बास्केट में बर्तन अरेंज कर लिए हैं। ये दोनों अपर और लोअर बास्केट के बीच में ये फैन है, उसको मशीन ऑन करने से पहले चेक कर लेना है हमें कि ये बर्तनों को टच ना करे। अभी हम इसको बंद कर देंगे। अभी हम मशीन को ऑन करेंगे। ये है ऑन का बटन, ऑन हो गई है अभी मशीन। फिर हमें ये अपर और लोअर बास्केट को सेट करना है। तो हमारे बर्तन जो है वो अपर और लोअर बास्केट में है, तो दोनों ऑप्शन को हमें चूज करना है। उसके बाद में ये है एनर्जी सेव, फास्ट और साइलेंट। तो हम इसको रखेंगे एनर्जी सेव पे, और अगर हमें फास्ट चाहिए तो हमें फास्ट पे रखना है। तो अभी हमने सेट कर लिया है एनर्जी सेव और फास्ट पे। तो अभी हम करेंगे प्रोग्राम सेटिंग। तो प्रोग्राम सेट करने के लिए हमें, अगर हमें प्रोग्राम सेट करना है तो P1, P2 और P3 ये सिंपल वॉश है, P4 ये इको वाला है, और अगर हमारे बर्तन हमें बहुत क्लीन चाहिए तो हमें P4 से लेकर P9 तक सेट कर सकते हैं। हम जो हमें सूटेबल लगता है वो हम चूज कर सकते हैं यहाँ से। ये प्रोग्राम।
तो हमने प्रोग्राम सेट कर लिया है P5, और जिस तरह से हम प्रोग्राम सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे आवर आते हैं, मतलब 2 घंटे भी लग सकते हैं या फिर 1 घंटे में भी हो सकता है। तो हमने P5 सिलेक्ट कर लिया था, तो 1 आवर लगेगा अभी बर्तन क्लीन होने में। तो ये है इंडिकेटर, ये जो इंडिकेटर लगा हुआ है यहाँ पर, उसमें अभी जो हमने बर्तन लगाए हैं तो उसमें वो वॉश हो रहा है, फिर ये नेक्स्ट होगा रिंस, और उससे थर्ड होगा फिर ड्राई, और ये इंडिकेटर ऑन होते जाएंगे और उस तरह से हमारे ये बर्तन फिर क्लीन होते जाएंगे। डिश वॉशर की ये खासियत है कि इसमें स्टीम से बर्तन ड्राई हो जाते हैं। बीप हो जाने के बाद में हमें इसको बंद कर देना है अभी। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे बर्तन बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुके हैं और ड्राई भी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने ज्यादा शाइन कर रहे हैं, क्लीन है। तो आपको आज की मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।